नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो अन्य साथी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर चोरी किया हुआ 14 टायर वाला ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अपराध 894/23 अंडर सेक्शन 379 जो ट्रक चोरी का 15/9/23 को पंजीकृत हुआ था, जो प्रयागीपुर के पास ये घटना थी। इस संबंध में मुखबिर द्वारा आज सूचना मिली थी कि जो अमाट के पास पुराना हवाई पट्टी है, वहाँ एकांत में एक ट्रक खड़ी है और वहाँ पे कुछ व्यक्ति संदिग्ध इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। सुल्तानपुर में प्रेमिका पर हमला कर नहर में फेंकने वाले प्रेमी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बहरहाल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके साथ ही घायल प्रेमिका की स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र के गांव निवासी एक नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में दर्जनों महिलाएं और पुरुषों ने एसएसपी कार्यालय पहुंच किशोरी की बरामदगी की गुहार लगाई है। दरअसल थाना भोपा क्षेत्र के गांव में एक सप्ताह पहले एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया गया था। किशोरी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से हताश होकर ग्रामीण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। एसएसपी ऑफिस हम इसलिए आए, 11 तारीख में हमारे समाज बेलडा गाँव से एक लड़की नाबालिग जिसका अपहरण कर लिया गया है किसी एक समाज के द्वारा, जाट समाज के द्वारा। पीड़ित परिवार काफ़ी दिनों से परेशान था। जो राजीव शर्मा है भोपाल थाने के एसएफ साहब, उन्होंने समाज के बीच में जाकर बेलडा गाँव में इस मामले में 5 दिन का टाइम मांगा था, वो कल 5 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। बाराबंकी में घर की कच्ची दीवार गिरने से दो मासूम की दबकर मौत हो गई। वहीं मौत की खबर से कोहराम मच गया। गांव के लोग और पुलिस प्रशासन की मदद से मलबे में दबे मासूमों और बकरी को निकाला गया। वहीं घर के मालिक को हल्की चोट आई है, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। थाना सुबहा के किरसिया गाँव में समीर पुत्र हलीम के मकान की कच्ची दीवार आज रात लगभग 2 बजे गिर जाने से उनके दो बच्चों, जिनकी उम्र क्रमशः 8 वर्ष और 6 वर्ष है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। उसी में उनकी एक बकरी भी दब गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई। बिजनौर में बाइक की टक्कर से स्कूल से घर जा रहे कक्षा 2 के छात्र की मौत हो गई। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों ने नूरपुर चांदपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। नूरपुर थाना प्रभारी संजय तोमर ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। झांसी के ग्राम पंचायत बहादुरपुर में ग्राम प्रधान और सचिव पर गौशाला में बंदरबांट का आरोप लगा है, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। दरअसल गौशाला में लगातार हो रही गोवंशों की मौत की कहानी एक किसान ने खोल कर रख दी। गौशाला से दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद किसान ने इसकी सूचना थाना प्रभारी समथर ललितेश नारायण त्रिपाठी को दी। मौके पर थाना प्रभारी ने फावड़े से गोबर को हटवाया तो वहां गोबर में करीब 5 गोवंशों के अवशेष मिले। अरे साहब, समस्या जो है वो कि हमारे यहाँ खेत है, वो जो गन्ना है गौशाला बनी है, जो रात के साहब छोड़ दी उस दिन के बैल ले, और गन्ना साहब मर जाती सुने गोबर में गाँप दी, और प्रसाद साहब कूका फूलो तो वहाँ में 4-5 गन्ने गपाई प्रसाद। जो समस्या है दमंग साहब प्रधान है, सफा को काज करता है। अलीगढ़ के गांव उदयपुर से गोवंशों को बेहोश कर गोक्षी के लिए ले जाने के मामले में ग्रामीणों ने दूसरे समुदाय के युवक को पकड़ा। मौके से उसके दो साथी भाग निकले। पकड़े गए आरोपी युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। आरोपी युवक के पास से लोगों ने गोवंशों को बेहोश करने वाली दवाई भी बरामद की है। दिनांक 17 सितंबर को अलीगढ़ देहात के थाना टप्पल के उदयपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई कि वहां के ग्रामवासियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो कि संदिग्ध अवस्था में गांव में घूमता पाया गया था।
सूचना मिलते ही थाने की फोर्स द्वारा मौका मुआयना किया गया। उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास से 420 ग्राम डाइजाफॉम, एक मोटा इंजेक्शन व उसकी दवा बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल जो है वो जानवरों को बेहोश करने में किया जाता है। पीलीभीत में आए दिन हो रही चोरियों की घटनाओं से लोग परेशान हैं। दरअसल कुछ महीने पहले ही पूतिरुमला कॉलोनी में लाखों की चोरी हुई थी। वहीं फिर से कल रात चोर चोरी के फिराक में घर में घुस गया, लेकिन पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति चोर को देख हल्ला मचाने लगा, जिससे सभी लोग जग गए और चोर को धर दबोचा। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। बस्ती के बेगम खैर कॉलेज के प्रबंधक अकरम खान ने खुदकुशी कर ली। अकरम खान ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। मामला सदर कोतवाली के मुरली जोत का है। बाराबंकी में हर साल की तरह इस बार भी बड़े ही धूमधाम से कजरी तीज के अवसर पर शिव बारात निकाली गई। शिव बारात सफदरगंज से निकली, जहां पर भूत प्रेत देवी देवता स्वरूप गाजे बाजे घोड़े के साथ विशाल शिव बारात निकाली गई, जो चिलौकी गांव पहुंची, जहां पर शिव बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद विधि पूर्वक शिव विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वही कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल भी तैनात रहा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।